देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। ये महिलाओं का प्रोग्राम है, उन महिलाओं का प्रोग्राम है जो इस पूरे देश में एक मिसाल बन के खड़ी है। हम देख रहे हैं कि आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनको छेड़ा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूली दिनों में मुझे याद है कि पहली एक लड़की जिसका नाम रिंकू पाटिल था, जिसे जलाया गया था एसिड से, मुझे लगता है शायद उल्लासनगर की वो घटना थी, वो आज तक मैं नहीं भूली। और उसके बाद लगातार जो हमारी यहाँ पे बहनें हैं, जो एक दिल्ली से आई हुई हमारी बहनें, दौलत तो है ही, और दूसरी माविया जो है, माविया जी यहाँ पे है, कल्पना जी यहाँ पे है, वसई विरार से कोई लोग आए, अनु आए हुए हैं, ये सारे लोग जो है, इनका क्या कसूर था? जब मैं दिल्ली वाली हमारी तई से बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि अगर कोई महिला जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो पहले कानून जो है उसी महिला को कटहरे में खड़ा करता है। उसी का कुछ होगा उस आदमी के साथ, या उसी का कुछ उसके साथ चक्कर होगा, तभी ये वारदात हुई है। इस प्रकार से पहले ही हमारे ऊपर धब्बे लग जाते हैं और ये गलत है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार लगातार यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि जब महिला आती है तो उसकी जो तकरार है, उसकी जो कंप्लेंट है वो लिखा लीजिए, एफआईआर जो है वो दर्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसी आए दिन घटनाएं हो रही है कि जिसके एफआईआर भी नहीं होते। आज मैं आज के इस अवसर पे कहना चाहूंगी कि आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एसओपी आई है,
उस एसओपी में ये लिखा गया है जो हमारे पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है और उसका एफआईआर नहीं होता है तो उसी पुलिस के ऊपर 166A के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर बलात्कार की जो घटनाएं हैं, 2 महीने के अंदर अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि आए दिन घटनाएं हो रही है, विक्टिम के माँ बाप कहाँ जाएंगे? वो जाते हैं पुलिस स्टेशन तो कहा जाता है तपास चालू आ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी तफ्तीश चल रही है, हम बुला रहे हैं, कब तक बुलाएंगे? और बच्चियां जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करती है, इसकी अगर हम कल्पना नहीं करें तो अच्छा है। इसलिए ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जिस प्रकार की गाइडलाइन होनी चाहिए वो भी केंद्र सरकार ने दी है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस देश की किसी भी महिला इस प्रकार के विकृति का, इस प्रकार के दुष्कर्म का बलि नहीं चढ़ेगी। हमें एक होना है और हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। राजनीति के परे का विषय है महिलाओं की सुरक्षा, और इसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो इसमें आगे ना आए, इसलिए सभी पार्टी के परे जाके महिलाओं के साथ एक साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है कि 2013 शायद 10-12-13 जब रिंकू पाटिल की ये घटना हुई थी तब हमने सरकार से गुहार लगाई थी कि एक महाराष्ट्र में मनोधैर्य नाम की योजना है। ये मनोधैर्य नाम की योजना किस लिए है? रेप विक्टिम के लिए है। तो हम चाहते हैं कि इसमें एसिड विक्टिम्स का भी सहभाग हो। उस जीआर में एसिड विक्टिम्स जितने हैं उनको भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वहां पे जो है उनके दवा का खर्च, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है प्लास्टिक सर्जरी कराना या इसके ऊपर आगे का उपचार करना, तो बिल्कुल हम इसका भी फॉलो अप करेंगे। हम केंद्र सरकार से भी गुहार करेंगे कि एसिड विक्टिम को सरकार की तरफ से उनके उपचार के लिए निधि जो है वो उपलब्ध कराया जाए, और हम बिल्कुल इसका फॉलो अप लेंगे। और कृष्ण कुमार जी, मैं आपको इसके बारे में इतला भी कर दूंगी कि हम क्या कर रहे हैं। मैं यही कहूंगी आप सब एक मिसाल हो, मिसाल उन महिलाओं के लिए हो कि जिनके साथ इस प्रकार की या बलात्कार जैसे घिनौनी हरकतें होती है, तब महिला के दिमाग में एक ही विचार आता है कि बस अब मैं जान देता हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दौलत जो आपने यहाँ पे कहा वो एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि हमें हारना नहीं है तो हमें लड़ना है, हमें आगे जीना है। ये बहुत बड़ा मैसेज आपने आपके स्पीच में कहा। मैं फिर से एक बार कहूंगी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबकी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और बहुत ही हृदय स्पर्शी। आज तक मैंने मेरी जिंदगी में 24 साल से मैं राजनीति में हूँ, आज तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड किए लेकिन ये प्रोग्राम आपका मेरे दिल के बेहद करीब रहेगा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और हमेशा जब जब साहस को मेरी जरूरत होगी चित्रावाग वहाँ जरूर आएगी। धन्यवाद। तो बीजेपी के मैम ने बोला उनके बाद से हम लोग बहुत अच्छा लगा समाज पे। एक बात कहूं, 2004 में 19 दिसंबर को मेरे साथ एसिड अटैक हुआ, मैं वहां तड़पते रही जलते रही, मुझे किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं पकड़ा, कुछ नहीं करा, कह रहे हम तो फंस जाएंगे, इसको पकड़ेंगे तो हमें जेल हो जाएगा, इसको छोड़ो, लोग देख के सूख के डर रहे। उसी दिन 2004 से लेके अभी तक उसी टाइम मेरा आंखों का रोशनी चला गया, पूरा चेहरा झुलस गया, जल गया। मैं एक सीधी अनाथ हूँ, बचपन में मेरे माँ बाप मर गई थी, मैं एक छोटा भाई है, उसके लिए अपना करियर अपना जिंदगी लगा दिया, अपना जो भी मेहनत करती थी अपना भाई को संभालती थी, पढ़ाना लिखाना, मैं कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, मगर क्या करे। ये बताओ सुंदर होना क्या गुना है? मैं एक बार डांसर हूँ, काम करके जैसे तैसे करके घर चलाती थी। मेरा 2004 में 19 दिसंबर को करियर खराब हो गया, ऐसे अटैक हुआ, मेरा भाई को संभालते संभालते, वो लड़की क्या सुंदर होना बुरा है? नहीं है। एक दुनिया में कहते छोटी सी बच्ची होता है 3 साल का 4 साल का 5 साल का, उनको भी ऐसे डाला जाता है, तो कहते हैं इनने तो गलत करा होगा, जो भी होगा। हम बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये तो बड़े लड़की है, तो इसके ऊपर कैरेक्टर पे आता है, जो 4 साल का 3 साल का बच्चों पे ऐसे डालता है, उन बच्चों का क्या कसूर है? उसने क्या कैरेक्टर पे बात आएंगी? इसलिए समाज को और हमारी जो दुनिया को बदलना पड़ेगा कि हमारी समाज की लोग जो है इस दुनिया से चल गए। हम माँ के पेट से तो ऐसा आंधे होकर आई नहीं थी, ना हमारे चेहरे जले थे, इस समाज के लोगों ने तो हमें जला दिया, पिरा दिया, हमें इतना दुखी कर दिया जीवन से, जो हम मरने के लिए तरस गए। क्यों हमारी सरकार नहीं जागता है, हमारी आवाज नहीं पहुंचता है? क्यों हमारे कहना चाहते, क्यों हमारा
एसएनपी टीम है, हम एसएनपी टीम नहीं है, हम बेचारी और बेचारा नहीं है, हम लोग फाइट करते हैं, फाइटर है, फाइट करते रहेंगे कि हम लोग बेचारी नहीं है। अगर आप लोग समाज के लोग अगर हमें बेचारी बनाएंगे तो हम तो बेचारी बन जाएंगे। अगर मुंह बैठे मुंह सुखा के घर का अंदर सब टीम के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, अगर अंदर जाएंगे तो हम तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सब बहनों को एसएनपी टीम नहीं है, फाइटर है, सबको यही कहते हैं तुम बाहर निकलो, समाज से मिलो, मुंह ढक के नहीं चलना, मुंह खोल के चलना। मुंह ढक के तो शर्मा के तो वो चला जिसने मेरे साथ बुरा किया था, जिसने हमारे साथ गलत किया था, मुंह सुबह के क्यों चले। हम तो अच्छा था ना, हम तो गलत काम नहीं किया, हम तो क्राइम नहीं किया ना, तो हम क्यों मुंह सुबह के चला, मुंह खोल के चलेंगे कि हम गलत नहीं है। इसीलिए मुंह सुबह के तो उनको ही चलना चाहिए। दो एक लड़की होके मेरे ऊपर ऐसे डाल दिया, सोचिए क्या सुंदर होना गुना है। एक लड़की ने सुंदरता देखे 2004 में ऐसे डालने के बाद करियर खराब हुआ। कोर्ट ने क्या किया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे दिया। देने के बाद मैं हार चुका जिंदगी में। 2004 से लेकर 17 तक फैसला आया, उनको 10 साल का सजा दिया, मुझे फैसला कुछ नहीं दिया। क्यों सरकार के साथ आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, समाज के लोगों को जो दर्द दिया हमें उसको आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, क्यों हमारा दर्द को समझे। हमारे किसी को अगर किसी को ऐसे डाला तो हम सरकार से या आवाज से या बात पहुंचाना चाहते हैं, माध्यम दिया हमें बोल आवाज को रखने के लिए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हर लड़की ऐसे फिटिंग में गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए कि उसके जिंदगी समान जाएगा, नहीं तो वो बेचारी की बेचारी समाज बना देगा, बेचारी ही बन के रह जाएगा। उसको प्लीज आगे पहुंचाइए आप लोग, अगर हमारी आवाज को सकते हैं। हमारे सरकार ऐसे ऐसे लड़की को विक्टिम को मैं जानती हूँ, 50-50, 40-40, 30-30, 50-90 सर्जरी हो गया। सोचिए एक सर्जरी का कीमत है 2.5 से 3 लाख रुपया। अगर सरकार हमें क्या देता है 3 लाख रुपया, जो हमारे एक दर्द भी नहीं डाल सकता है। और सोचिए मेरे ऊपर देखो 22 सर्जरी हो गई, 25 लाख रुपया कर्जा है, मगर मुझे आज सब परेशान कर रहा, मैं क्या करूँ, मैं मरूं जीऊं, मगर मुझे अपना परमात्मा में विश्वास है, वो आगे पहुंचाएगा, वो करेगा हमारे लिए। हमारा सांस कंडीशन हमारा मदद के लिए आगे आया, इसके लिए छोटा सा लोगों ने मदद किया तो उसे एक सेंटर खुला, उस सेंटर में आप लोग काम करेंगे हम लोग तो हमारे आगे चलेंगे। हमारा मेडिसिन ये आगे कोरोना वायरस चढ़े हमारे घर का कह रहा है देने के लिए, अर्बिटियम को हमारे सारे जो मतलब दवाई मेडिसिन के लिए, हमारे खाने राशन के लिए बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, हर विटियम को गुजरना पड़ती है। तो हर विटियम को पता है 3 दिन से गुजरता है क्या होता है, हमारे बिजली के बिल रुका जाते हैं, हमारे मकान का सारे रुक जाता है, हमारे राशन के लिए दिक्कत होती है, क्यों घर से कोरोना का वायरस की वजह से कई लड़की जा नहीं सकती है, इसीलिए हमें हर चीज के लिए बाहर निकालना होता है। प्लीज मदद के लिए आगे आइए, आपको लिए पता है छोटा सा एक मदद के लिए, छोटा सा मदद हमें आगे लेके जाएगा। आपको मदद के लिए बहुत धन्यवाद, आप लोग आगे आया उसके लिए भी धन्यवाद, और सास फाउंडेशन में दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ दौलत जी मैम को उनके। जहाँ तक लड़की के लिए माँ बहुत जरूरी होती है, लाइफ बहुत स्ट्रगल से गुजरी, शादी हुई 10 साल वहां रही, वहां पे बहुत सफर करा, 2 बेटियां हुई मेरी, 10 साल बाद वहां पर डाइवोर्स हुआ और 6 महीने बाद उसी हस्बैंड ने मेरे पर एसिड अटैक किया, क्योंकि मैं वापस नहीं जा रही थी। उसका कहना था कि मैं डाइवोर्स नहीं मानता, क्योंकि मर्द प्रधान देश है, बुरा मत मानिएगा, आप भी यहाँ पर सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरे साथ यही हुआ कि मैंने ना कैसे कर दी, मैं एक औरत होने के नाते मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आगे कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन ये हर लेडीज पे लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो आज भी सफर कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक, किसी ने एसिड डाल दिया वो जल गया और वही एक अटैक होता है, ऐसा नहीं है। आप घर घर की स्टोरी देखी जाके, औरतें अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, वो हर रोज सफर कर रही है, वो हर रोज परेशानियों का सामना कर रही है। रेप ऐसा नहीं है कि रेप जो मीडिया में आ जाता है वो रेप, ऐसा नहीं है। रेप वो भी है जो घर के अंदर बिना मर्जी के लाइफ पार्टनर उसको परेशान करता है, वो भी रेप है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। अब हम लोगों को एक माइक मिला है, हमें एक पॉइंट मिला है, हम एसिड सर्वाइवर है, हमें कहीं ना कहीं एक हौसला मिल गया इस चीज से और हम इस चीज को जी रहे हैं। हमें कोई ये नहीं है कि एसिड सर्वाइवर का बस ये कि टैग हम हटाना चाहते हैं अपने ऊपर से, कहीं जाते हैं कौन है एसिड सर्वाइवर है, नहीं हम एसिड सर्वाइवर। एसिड सर्वाइवर वो इंसान है जो एसिड लेकर आया, उसके हाथ में एसिड था,
उसने हमारे पे डाला। तो अभी अनु मुखर्जी है, मैं जानती हूँ उसको, बहुत सफर कर रही है, बहुत परेशानियों का सामना उठा रही है और मैं खुद भी इसमें हूँ। अभी हम लोग जॉब करते हैं, अपना घर का खर्चा उठाते हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनके पास जॉब भी नहीं है, उन्हें जॉब कोई देता नहीं है, उनका फेस देख के, उनको देख के डरते हैं लोग, क्योंकि लोग खूबसूरती को जीते हैं, सिर्फ खूबसूरती देखनी है। मेरा भी अंदर से पूरा बर्न हुआ हुआ है, लेकिन जो बचा है मैं उसी को जी रही हूँ, ढक के चल रही हूँ। अभी यहाँ किसी को गर्मी लग रही हो कि वो खुल के आ सकता है, मैं खोलूंगी तो मुझे अपने अंदर ही एक वो लगता है कि कोई देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा। तो हम तो ना मरे में रह गए ना जीते में रह गए, लेकिन फिर भी हौसला कर रहे हैं। और मैं दुआ करती हूँ सास फाउंडेशन के लिए, दौलत भी मैम के लिए, कृष्णा सर के लिए, कि अल्लाह इन्हें बहुत तरक्की दे, और आप सबके लिए आप यहाँ आए। सर आपसे मिलके तो मुझे बहुत खुशी हुई है मैम आपसे, क्योंकि आप सुन रहे, एक टाइम था मैं कोई सुनता भी नहीं था, मैं खुद एक खंडर में रही हूँ 2-3 महीने, और गली के लोग मुझे खाना दे जाते थे, कोई मेरे गली में कैसे चंदा होता था, मेरी पट्टियां कैसी हुई, हॉस्पिटल ने मुझे एडमिट नहीं करा, मैं किस तरीके से सफर करा, वो मैंने सारा अपना रोडीज एक्सप्लोर के ऑडिशन में दिया था, जो समाज ने सुना और तकलीफ हुई, मेरे माँ बाप ने जिन्होंने गोद पाला था, फादर तो रहे नहीं थे, और मम्मी घर छोड़ के भाग गए कि मुझे ना इसका कुछ करना पड़े। तो वो जो टाइम पीरियड था मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक था, और वहां से मैंने बहुत सारा हौसला और बहुत सारी सीख दुनिया में ली, जो आज मैं यहाँ तक चल कर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मुझे सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। पहली बात ये फर्स्ट टाइम किया हूँ, जैसे मुझे कृष्णा जी ने बोला कि इनका मेकअप करना है, और मेकअप उनका ही करना है जो ऑलरेडी ये जले हुए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा आज के तारीख में जैसा जो माहौल चल रहा है कोरोना का, कोरोना के हिसाब से अगर इस तरह के लोगों को अगर देखा जाए तो कोई छूटा नहीं है, कोई पास में आता नहीं है, मतलब अगर हम देख लोगों तो ऐसा लगेगा कि इनको छू तो कोरोना ना हो जाए। लेकिन मैं कृष्णा जी ने और दौलत जी ने बोला कि राजू जी ऐसे ऐसा मेकअप करना है, क्योंकि मैं दबंग पिक्चर कर रहा था, जब मैं उसको गेटअप कर रहा था इन्होंने मुझे वहाँ देखा था गेटअप करते हुए, तब मैं अभी राधे जब किया तो राधे मूवी में मुझे मिले, कृष्णा जी ने बोला कि करना है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं करूँगा। जब मैं इनको आके देखा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इनकी गलती क्या है, और ये भी तो इंसान है, इनको छूने से अगर मुझे हो जाए तो सबको हो सकता है। मैंने कुछ देखा नहीं, इनका मेकअप किया और इनको गेटअप किया। तो मेकअप इंडस्ट्री में काफी मतलब मौका रहता, तो इनको मौका मिलना चाहिए काम करने का, मिलना चाहिए 100% मिलना चाहिए मौका।
जैसे सबको मिलता है वैसे इनको मिलना चाहिए। जैसे दीपिका जी ने छपाक पिक्चर किया है, मैं तो चाहता हूँ कि ओरिजिनल इनको ही लेके पीछे बनाना चाहिए, क्योंकि इन पे जो गुजरी है इनको ज़्यादा पता है उनके बारे में। दीपिका को जितना नहीं पता होगा इनको पता होगा, जो जले है ये तो दीपिका तो एक्टिंग कर रही है, ये एक्टिंग नहीं करेगी ना, ये तो ओरिजिनल बताएंगे। मेरा बोलने मतलब इनको लेना चाहिए पिक्चर में और इनके ऊपर करना चाहिए। जो इंडिया में लोग हैं 2020 में जो बेस्ट हैं उनको हम अवार्ड दे रहे हैं, इसलिए जैसे सोनाली है, सोनाली ने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम किया, 1,00,000 रुपीज वो देगी और हम उसको अवार्ड देंगे। वो अवार्ड बिक नहीं रहा है लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटीज़ को उन्होंने हमें यहाँ पर दान दिया उस स्टेज पर, राइट, उस स्टेज पे दान दिया। ऐसा पूरा चाहूंगी कि इन दोनों ने इतनी मेहनत करके ये पिरोआ है, ये रियली वर्क सो मच टू ब्रिंग ऑल दिस टुगेदर, इट इज नॉट इजी। मैं तो यहाँ डायरेक्टर हूँ, फाउंडर है ना, वो भी आराम से ऑर्डर कर सकती है, ऐसा वैसा कुछ भी ना, चाहे के कब भी लेके तो भी। आपका क्या कैसे थॉट आया कि ग्रोसरी की दुकान खोले या कैसे? मैं अभी कुछ देर पहले मैंने ये बोला ना, COVID-19 के टाइम पर मैं भी फंड नहीं दिया, लेकिन मैं अपने जैसे के जो चीज मैंने लाइफ में सर्वाइव किया है और हमारी नीड थी ग्रोसरी, अगर हम खा, चेहरा तो खराब हो गया ठीक है लेकिन खाने के लिए तो जरूरत थी हमारी, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ फोकस देखा कि ग्रोसरी चली है कोविड के टाइम पर, तो क्यों नहीं वो चीज़ हम ये बनाए जैसे हमारे ऐसी विक्टिम की कुछ जरूरतें पूरी कर सकूँ। मैं पूरे नहीं कर सकती हूँ लेकिन कुछ चीज़ें उनके लिए मैं कर सकती हूँ। हमारी बहन ने कहा था कि अगर ग्रोसरी शॉप पे ऐसी विक्टिम वहाँ रहेंगी तो साथ लोग डर जाए, अभी एक बहन ने कहा था नहीं, तो इसीलिए ना ये अवेयरनेस के लिए हमने ये बनाया है। अभी उन्होंने ये बोला ना कि ऐसे डाल दिया उन्होंने, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है तो हम क्यों लोगों से डरे, जिसने एसिड डाला है वो डरना चाहिए, हम नहीं डरेंगे। अभी जैसे कि ये तो ज़्यादा नहीं 2 साल हुआ इनसे मिलके, लेकिन उनके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रखा कि कृष्णा जी मेरे लिए ये करो, मेरे ऐसे विक्टिम के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, तो उनको मैं कुछ पे नहीं करती हूँ लेकिन वो फ्री में अपना वक्त अपना दिमाग जो देते हैं। आज ये सब चीज़ हमने अकेले नहीं, जैसे मेरे ऐसे विक्टिम जैसे कृष्णा जी ये सब मिलके हमने किया, मैंने अकेले नहीं कुछ नहीं किया, सबका सपोर्ट रहने से हुआ है। बस ये है कि आगे हमारा एक ड्रीम है जो बहुत बड़ा, बहुत जल्द वो भी पूरा करेंगे। एक तो हम छोटा सा ड्रीम पूरा किए लेकिन बड़ा ड्रीम चाहती हूँ, और जहाँ पे हमारे ऐसे विक्टिम सामने आके, लोगों के सामने आके खड़े कि हम एक ऐसे विक्टिम में हम विक्टर्स हैं और हमारे में वो साहस है, हम कर सकते हैं और लेडीज बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्ट माइंड चैरिटेबल ट्रस्ट, बेसिकली मैं कृष्णा जी को एक और एक इवेंट हुआ था जहाँ पे एसिड विक्टिम्स का ही इवेंट हुआ था लोधा वर्ल्ड में, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने हमेशा ध्यान रखा था कि मैडम का एनवायरमेंट और एनिमल वेलफेयर में बहुत रुचि है। सो मेरी एक और एक कंपनी है विच इज़ एनवायरो सोल्यूशन 360, जहाँ पे हम वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन का काम करते हैं और उसमें हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, और ये जो समस्या है जहाँ पे हर जगह कचरा है और कचरा का कुछ रिसाइकल नहीं हो रहा है, सो वी हैव दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जहाँ पे हम वेस्ट में से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या वेस्ट में से ऑयल बनाते हैं या वेस्ट में से बायोगैस या बायोडीजल, वैसी एक चीज़ कर रहे हैं। और जस्ट माइल चैरिटेबल ट्रस्ट इज समथिंग क्लोज टू मी बिकॉज मेरा एक पेट था वो पास्ड अवे लास्ट ईयर, उसकी मेमोरी में मैंने ये जस्ट माइल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं एक पशु को इतना चाह से संभाल सकती हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द स्ट्रीट डॉग्स, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है, उनको खाना वो बना नहीं सकते, वो ह्यूमन डिपेंडेंट है, वो पानी नहीं पी सकते, वो भी ह्यूमन डिपेंडेंट है, हर चीज़ के लिए वो ह्यूमन डिपेंडेंट है।
और हम अगर ये चीज अवेयरनेस ना ले आ पाए अगर इन दी सोसाइटी, तो हम हमारे कल्चर से पीछे जा रहे हैं। हमारा कल्चर कहता है कि हमें पशु, हमें गाय हमारी माता क्यों है, क्योंकि एक माँ के बाद पूरी जिंदगी आप गाय का दूध पीते हैं, तो उसको आप डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास वो सब नहीं थे, एक पहले कुत्ते को लोग रोटियां क्यों देते थे, क्योंकि वो आपकी रक्षा करता था। लेकिन आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम ये भूल रहे हैं वो नेचुरल टेक्नोलॉजी है जो भगवान ने क्रिएट की है। प्लीज मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पशुओं को उतनी रिस्पेक्ट दीजिए, उनको जीने का हक है, उनको भगवान ने बनाया जैसे आपको और हमें। तो जस्ट माइल चैरिटेबल ट्रस्ट जब उन्होंने एसिड की बात की, तो एसिड सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं, एनिमल्स पे भी फेंका जाता है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? वो एम्बुलेंस को फोन करके नहीं बोल सकते 108 प्लीज मुझे बचाओ, वो तो फोन नहीं कर सकते, ना ही कोई डॉक्टर को बुला सकते। तो उनका माध्यम कौन है? हम। और नॉट जस्ट जसमाइल, मैं चाहती हूँ हर एक इंसान प्लीज अपने गिरबान में जाके, कोई पशु मर रहा है या कोई पेन में है, प्लीज आजू बाजू आप फोन कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो कुछ नहीं, वो पड़े पड़े मर जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। एक बेसिक फर्स्ट एड भी अगर आप कर दे तो भी उनको बहुत हेल्प मिलती है। या फिर कोई एनजीओ, एटलीस्ट आपको बॉम्बे में तो पता ही है जहाँ पे एनजीओ दो हॉस्पिटल्स है, एडमिट करा दीजिए, 1000 रुपये का खर्चा आएगा बस, उससे ज़्यादा कोई, एक जान बच जाए। तो हम चाहते हैं कि ये जो अब्यूज हो रहा है, एनिमल टॉर्चर हो रहा है पशु पे, जैसे पतंग उड़ाना, हम मजे के लिए तो पतंग उड़ा लेते हैं, लेकिन 6 महीने तक वो बर्ड जो भी एक्रो है, पिजन है, ये स्पैरोज है, तड़प तड़प के 6 महीने तक तड़पते हैं सिर्फ हमारे 1 घंटे की पतंग उड़ाने। तो इमेजिन हम आगे का सोचते नहीं है। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन कितने पशु मरने वाले किसी ने सोचा है? वो आवाज से वो उनको हार्ट अटैक्स भी आते हैं, दैट नोबडी थिंक्स। फिर पोल्यूशन तो होना ही है, वो तो आप सब जाते, कितने जीव मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। हम प्लीज, हमें इंसान, हमें इतना सौभाग्य मिला है कि हम इंसान हैं, इंसान बने वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इंसानियत क्यों भूल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि नॉट ओनली अभी जैसे एसिड विक्टिम्स है, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है। दे आर ब्यूटिफुल, उनकी कोई गलती नहीं, गलती छोड़ो, आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए कि हर भगवान ने हर इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, तो हर किसी में कमियां होती है, हमें वो चीजें एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है, तो ही हम हर चेहरे पे मुस्कान, जस्ट स्माइल इज द नेम, कि हम हर 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 फेस पे मुस्कान देखें। सो वी आर लुकिंग फॉर के आज ये जो ऑगस्ट गैदरिंग हुआ है, हम वो मैसेज, हम माइंड सेट चेंज करें। मोदी जी क्या करते हैं, माइंड सेट चेंज करते हैं कि भाई हम किस दौर में हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो हमें भी उस आइडल से कुछ सीखना चाहिए, हमारी परंपरा को बरकरार रखना चाहिए। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना गुजरता या किसी तरह की खबर है, तो जी न्यूज कैंटीन पर वीडियो सही पूरी और हमारे जी न्यूज कैंटीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।